हाय एवरीवन, सो लास्ट क्लास हम कौन पढ़ते थे पिलाने ना मोलालिटी आओ मोल फ्रैक्शन ओवर डिस्कशन करते थे ना। नहीं तो आज ही हमें किसी न्यूमेरिकल्स करिबा आओ दीटा नया कांसेप्ट भी सीखिबा है ना। कौन कौन गोटे है डाइल्यूशन आउट है मिक्सर हाउ टू फाइंड आउट द मोलालिटी एंड नॉर्मालिटी ऑफ ए मिक्सर। गोटे मिक्सर रो मोलालिटी और नॉर्मालिटी हम केमती फाइंड करिया ता उपर देखिबा। तो देखो मु फर्स्ट किछ कांसेप्ट कहि दउ छी ता उपर हमें जवाब हो हला। देखो तो फर्स्ट मु कांसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन कथा मु कहू छी। सपोज धरने जाओ गोटे कि गोटे सल्यूशन जो सल्यूशन रल्यूम था भि ओन जो सल्यूशन रल्यूम था भि ओन ओके अच्छा आर मोलारिटी थी सपोज एम ओन मोलारिटी के थिला एम ओन ओके बस मु कौन कली एथिरे किछे अमाउंट रो वाटर पुट कली एथिरे किछे अमाउंट रो वाटर पुट कर देले मु क्लियर। वॉल्यूम की जोड़ दिलाऊं एक्चुअली किसी अमाउंट को वाटर ऐड कर दूंगा किसी अमाउंट को वाटर पुट कर ली माने कौन कर ली मु सॉल्यूशन रो कंसेंट्रेशन को डिक्रीज कर ली माने डाइल्यूशन कर ली। डाइल्यूशन माने कौन एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज डाइल्यूशन एडिशन ऑफ solvent is known as dilution। तुमको मैंने किसी water add कर ली solution। volume थी लगे थे v1, molarity थी लगे थे m1। तो अबे volume change है ना? Suppose volume change है ये लगे थे v2। volume change है लगा ना molarity भी change है वो? नहीं, तो molarity change है क्या था ऐसे लगा? m2 है ना? Suppose तो मत फाइंड करियर अच्छी ये जो मोलारिटी फाइनली सॉल्यूशन रो मोलारिटी केते अच्छे मत सेटा फाइंड करियर अच्छे हला कहीं इनिशियल वॉल्यूम मु जानि छी इनिशियल मोलारिटी केते थिला भी मु जानि छी केते अमाउंट रो वाटर ऐड करली मु जानि छी। सपोज एक्स मिलीलीटर रो मु वाटर ऐड करली बाय एक्स अमाउंट रो वाटर ऐड करली तो v2 इज इक्वल टू कोन हबो v2 is equal to x plus v1 आसी ना नहीं बस। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन ना इनिशियल जा थिला x होच कौन केते अमाउंट रो तमे वाटर ऐड करो क्लियर। ताकु जदी मु थ्योरेटिकली लिखिबी तो कौन आसीबो लेट ए सॉल्यूशन लेट ए सॉल्यूशन of volume v1 and molarity m1 ओडे सॉल्यूशन रो वॉल्यूम अछि v1 मोलारिटी अछि m1 इज डाइल्यूटेड टू ए वॉल्यूम v2 and molarity m2 by adding x amount of solvent matlab x amount of solvent add kariki volume v1 ko
मोलारिटी एम वन को आमे कन्वर्ट कले कोथरे वॉल्यूम वी टू आ मोलारिटी एम टू रे कन्वर्ट कर देले क्लियर। अच्छा मोलारिटी रो फार्मूला कोन थिला पिले ना मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर थी नहीं तो मु जदि नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन रे केते मोल रे सॉल्यूट अछि मते बाहर करिया रहछि तो मु कोन लिखी ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर सॉल्यूशन रे केते मोल रो सॉल्यूट अछि जानिया पे हम कोन करियो पड़ियो तार मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करियो पड़ियो हला तो सॉल्यूशन रे केते मोल सॉल्यूट अछि हम मिल जो। अच्छा तो सॉल्यूशन रो मोलारिटी केते m1 वॉल्यूम केते v1 तो एथिरे जो नंबर ऑफ मोल्स रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि n इज इक्वल टू कोन v1 इनटू m1 अमाउंट रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि नहीं बस एबे देखो एठी जो अमाउंट रो सॉल्यूट प्रेजेंट थिला एठी भी सेम अमाउंट रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि ने नहीं काहे कि ना मु ओनली कोन ऐड करछि सॉल्वेंट ही ओनली मु ऐड करछि सॉल्यूट ऐड करनी सॉल्यूट एठी जहा थिला एठी भी सेम अमाउंट रो अछि ओके तो ए जो सॉल्यूशन रे केते अमाउंट रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि that is equal to mu kon likhi paribi v2 into m2 kani na number of moles is equal to molarity into volume of solution to eti formula asla kon v2 into m2 to a solution re number of moles of solute jaha achi a solution re bhi same achi to mu etu kon koi paribi after dilution after dilution number of moles of solute number of moles of solute is equal to acha mai mene kuch aur bhi bol rahi ho number of moles of solute before dilution before dilution is equal to number of moles of solute after dilution solution re dilution purvaru jati ki number of moles of solute thila dilution pore bhi सेम अमाउंट रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछ त माने आर फार्मूला कोन बिफोर डाइल्यूशन केते थिला v1 m1 त असला कोन v1 into m1 इक्वल टू v2 into m2 तो आकु कोन कहो छि पिले डाइल्यूशन इक्वेशन कोन कहो छि आकु डाइल्यूशन इक्वेशन सिमिलरली एटा जेमिते हम मोलारिटी को लेके बाहर करले सिमिलरली हम नॉर्मलिटी को भी लेके बाहर कर परिया ओके देखो तो फार्मूला कोन आसी v1 into n1 इक्वल टू v2 into n2 ये भी हम छि कोन हमरो डाइल्यूशन इक्वेशन तो दीट जे को इक्वेशन को हम कोन गया डाइल्यूशन इक्वेशन बोली गए देखो आकू बेस करिकि गोटे न्यूमेरिकल अछि हम सॉल्व करिया हला देखो ये क्वेश्चन कौन दिला फाइव नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो कौन कहूँ ना इफ 250 मिलीलीटर ऑफ 0.25 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद वाटर कौन है ना गोटे सॉल्यूशन अच्छी
ए सॉल्यूशन रो वॉल्यूम होची 250 मिलीलीटर तर मोलारिटी होची केते 0.25 मोलार NaCl सॉल्यूशन कोची से डाइल्यूट कराला टू ए वॉल्यूम ऑफ 500 मिलीलीटर माने आफ्टर डाइल्यूशन सॉल्यूशन रो वॉल्यूम केते हेला आगर थिला 250 आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम केते हेला 500 मिलीलीटर टिके गोटे वर्ड सबळे ध्यान दोथो पिलाने एडी जो कहला डाइल्यूटेड विथ वाटर टू ए वॉल्यूम ऑफ 500 मिलीलीटर एडी टू यूज ना करिकी हां जदी कहथन ना डाइल्यूटेड बाय वाटर विथ 500 माने 500 वाटर ऐड कराला एडी टू रो मीनिंग होछ कोन आफ्टर डाइल्यूशन 500 हैला फाइनल वॉल्यूम बुझी पारल तो ए सेंस रो सब ध्यान दोथो से बेले बेले कहियो कोन ना वाटर एतिक अमाउंट रो ऐड कराला से केस रे तमो फाइनल वॉल्यूम बाहर करिया में हेबे v2 v1 plus x करियो बट एडी कोन से फाइनली दे दे छि जे इनिशियली थिला 250 आफ्टर डाइल्यूशन हेला जे 500 मिलीलीटर देन से पचर छि कोन द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ए जो सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन माने Me2 टा बाहर करिया में हम कहला अति सहज बाहर कर दे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करिया हला तो फार्मूला कोन हमरो ना M1 V1 इक्वल टू Me2 इनटू V2 ओके तो M1 के दी छी 0.25 हला इनटू V1 अच्छा देखो मैं कह छी कोन ना वॉल्यूम ना लीटर रखिया दरकार नहीं अच्छा गोटे जिनस देख जो आम ए फर्मुला अप्लाई करिया लिटर रखिया किसी दरकार नहीं कम ही दरकार नहीं देख मुझे कौन सब ये मोलारिटी 0.25 इंटु वॉल्यूम के 250 मिलीलीटर तो 250/1000 कर दिल से कौन हो लिटर कन्वर्ट हो ना नहीं है बस इज इक्वल टू मोलारिटी M2 हम को मिले छ बाहर करिय रच क्वेश्चन मार दे छु मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम V2 केते फाइनल वॉल्यूम केते 500 मिलीलीटर तो से लगे 500 मिलीलीटर क्लियर तो देखो बाहर कर केते आ छ ये से लगे दे 4 नहीं तो M2 इज इक्वल टू फाइनल हम लिख छी M2 इज इक्वल टू 500 को एपडा ना रे हला तो ऐसे कहते हैं 0.25 बाय अच्छा देखो एडी 500 मिलीलीटर को हम 1000 कन्वर्ट कर लिया ए लीटर कन्वर्ट कर लिया बस तो 1000 डिवाइड कर दे ली हां देखो एडी डिवाइड कर ले भी इतना ना नो कर ले भी इतना काहे कि ना एडी 1000 1000 कौन जो फाइनली कैंसिल हो जाओ क्लियर तो ऐसे लगे थे एडी 1/2 2 ए पर ऐसे कौन मल्टीप्लाई हो बाय में भी कैंसिल कर ले हम डायरेक्ट एडी कैंसिल कर दियो 2 2 कटला बाय लगे थे 2 ते कैंसिल होला ऐसे लगे थे 0.125 तो ऐसे लगे थे 0.125 फाइनली कहते हैं होला सॉल्यूशन रो मोलारिटी कहते हैं होला 0.125 मोलार क्लियर बस अच्छा 0.125 पे ले कहते हैं मने ऑप्शन के तुम ये भी दे पे 1/8 हम ये भी दे भी रहे ना 1/8 मोलर दे क्लियर अच्छा तो ये कोटे न्यूमेरिकल चला हमरा आउट न्यूमेरिकल एटी होच दुई नंबर सेम क्वेश्चन आको बेस करी अछि डाइल्यूशन इक्वेशन को बेस करी के अछि तो ओके पिला में तो एक क्वेश्चन बुझला तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जरा सॉल्व करिया हला कौन क्वेश्चन पढ़ वंस पढ़ फर्स्ट क्वेश्चन नोन नहीं पढ़ समझते से क्वेश्चन पढ़ो नीचे ट्राई करो ता पर जे कि सॉल्यूशन देखो ओके तो क्वेश्चन कौन को छे ना 250 मिलीलीटर ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन कंटेन 2.65 ग्राम ऑफ Na2CO3 कौन को छे ना गोटे सॉल्यूशन अछि ए सॉल्यूशन रो वॉल्यूम केते दिछि
ना 250 मिलीमीटर देला सॉल्यूशन रो वॉल्यूम एथरी कोन कोछि से ना 2.65 ग्राम रो कोन अछि 2.65 ग्राम रो सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट अछि बोले Na2CO3 हैला तापर से कोन होछि 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज एडेड टू x ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन हां तो से कोन होछि एटा त हला गो छड दे तापर से कोन होछि उतरे क्वेश्चन रे भलसे बुझिया हो गे हैला से कोन होछि आउट भी करे ए सॉल्यूशन रो का 10 ml लिया ए सॉल्यूशन केते ml लियाला 10 ml सेम सॉल्यूशन एटा जहां आर कंसंट्रेशन जहां आछि एथिरो 10 ml लियाला नहीं कौन करा ला ऐसे रे x अमाउंट रो वाटर ऐड करा ला कितने मिलीलीटर में वाटर ऐड करा ला x मिलीलीटर रो वाटर ऐड करा ला टू ऑब्टेन ए सॉल्यूशन ऑफ ऐसे की माने से कौन बोल से जो सॉल्यूशन डा आसे ला 10 मिलीलीटर ऑफ दिस कंसंट्रेशन रो सॉल्यूशन जो हमें x अमाउंट रो वाटर ऐड कर ले जो सॉल्यूशन प्रिपेयर है ला ए सॉल्यूशन रो मोलारिटी दे दीजिए कहते हैं बा आको एम कोन होतले एम1 ना को एम2 होतले एटी कोन एम1 हम जान नांगे एम2 दे दिस हम के दे छ एम2 ना 0.001 0.001 एम दे छ हम हला बस सॉल्यूशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन मिलीलीटर एक्स रो वैल्यू पचला माने केते अमाउंट रो वाटर ऐड करयाबो सेडा हम पचला फर्स्ट देखो एटी हमहु को वॉल्यूम जणा छि सॉल्यूट रो वेट जणा छि त ए सॉल्यूशन रे हमें मोलारिटी बाहर कर परे नै बाहर कर दा इजीली देखो मोलारिटी बाहर करो मोलारिटी इज इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला मन को कोन ना वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर ओके ताको जदि नेगी हम बाहर करबा तो वेट ऑफ सॉल्यूट केते अछि 2.65 बाय मॉलिक्यूलर मास Na2CO3 रो मॉलिक्यूलर मास बाहर करिए Na2CO3 बाहर करो सोडियम ल लागते 2×23 प्लस कार्बन ल लागते 12 प्लस ऑक्सीजन रे 3×16 तो असने केते ये 46 प्लस 12 प्लस 48 ये असने केते 8 प्लस 2 प्लस 6 16 6 असला 4 प्लस 1 प्लस 4 9 10 तो 4106 ग्राम असला ओके साइड पुट करो 106 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 250 वॉल्यूम कते छ 250 दे छ तो कैंसिल कर ले 12 लाग दे 4 4 रे कैंसिल करो 4 रे कैंसिल कर ले तो आछ नै ये कैंसिल हो नै 4 रे 4 रे कैंसिल हो नै नै अच्छा आको टिकके मु एपडे कर छ ना रे जगह रहनी रेडी कर छ कते ना 2.65 बाय मॉलिक्यूलर मास असला 106 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 250 कैंसिल होला 4 असला 2 रे कैंसिल करो 2 5 जा 2 3 जा 2 2 जा 53 रे को कैंसिल करो 53 रे डायरेक्ट कैंसिल करो 53 4 जा 53 5 जा 53 5 जा केते रे 53 5 जा 53 × 5 5 3 × 3 × 4 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 ×
पड़े नहीं बस नेक्स्ट जीवन में त
तो हमारे M1 पड़े चला कहते हैं 1 मोलर वॉल्यूम पड़े ला V1 ये हो चुका हमारा V1 बाकी V2 हमें बाहर कर लिया जोड़ा V2 आसला V2 माइनस V1 कर दले X पड़े चला कॉमन ना देखा तो ले लीजिए कौन पहले ये भी कोड लिख चाहो V2 इज इक्वल टू कौन X प्लस V1 तो V2 माइनस V1 कर दले कौन प्लस X पड़े चला कहते हैं अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर चुन बस पुट कर बाहर कर लो M1 V1 is equal to M2 into V2. Okay, तो M1 क्या दिला? M1 उसे 1 मोलर, V1 ने लगा दे 10 मिलीलीटर मुकाई ची, लीटर कन्वर्ट करिए इस दरकार नहीं. Okay, then जितना नंबर ऑफ मोल बाहर करियो, कितने मोल सॉल्यूट है, से तो लीटर कन्वर्ट करियो, है ना? But एक केस में करियो, तो मैंने कैंसल है जो. मोलर मोलरिटी M2 क्या दे ची 0.001 into V2, ओके, तो हमारा ये कैंसल होगा, ऐसे हो गए थे, V2 हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे जी, 10 is equal to ये लगे थे 10 ऊपर माइनस 3, 10 ऊपर माइनस 3 into V2, 10 ऊपर माइनस 3 अपड़ ऐसे हो, पढ़े जो 10 ऊपर 3 जो, तो V2 is equal to कितना ऐसे लगा, 10 to the power 4 10 to the power 4 10 to the power 4 कौन आसला मिलीलीटर आसला 10 to the power 4 मिलीलीटर हला ना कौन है ना जो है हम वॉल्यूम बाहर के लिए रखते हैं ना वॉल्यूम हाँ ये मिलीलीटर रचे तो V2 भी कौन आसला मिलीलीटर आसला 10 to the power 4 मिलीलीटर वाले कौन 10 लीटर 10 लीटर हला तो V2 कितना आसला 10 लीटर का मिलीलीटर है इसला देन से कौन होचे हम x बाहर करे रहचे तो x इज इक्वल टू कौन लगा ना x इज इक्वल टू v2 माइनस v1 v2 लगे थे 10000 मिलीलीटर माइनस v1 के थे 10 मिलीलीटर तो x के थे इसला 9990 मिलीलीटर 9990 मिलीलीटर आसला तो कौन बनाला द फाइनली सॉल्यूशन रे 9990 मिलीलीटर ऑफ वाटर ऐड कराय छी बुझिला नै समस्त बुझिला देखो आउरे कह दउ छी टिक्के क्वेश्चन ना भूले कि थिला कोन न फर्स्ट सॉल्यूशन देला सॉल्यूशन रो केते अमाउंट रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि 2.65 ग्राम रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन रे तार हमें मोलारिटी बाहर कर देले मोलारिटी केते आसला 0.1 मोलर सॉल्यूशन आसला केते आसला 0.1 मोलर सॉल्यूशन टिक्के बिले एडी 0.1 मोलर सॉल्यूशन आसला ना मो एटी 1 मोलर ले गलि बोथे एटा को 0.1 मोलर करो 0.1 मोलर करले ये 10 टू द पावर 3 हो माने 1 लीटर आसी हला तो एटा 1000 माइनस 10 1000 माइनस 10 करले 990 मिलीलीटर आसी हला हां तो मोलारिटी बाहर करले आसीला 0.1 मोलर सॉल्यूशन आसीला तब से कोन होचे सेम सॉल्यूशन रो 10 मिलीलीटर ने आला ए जो सॉल्यूशन रे वाटर ऐड करा लगे ते एक्स अमाउंट रो वाटर ऐड करलु सॉल्यूशन रो मोलारिटी केते हैला जो 0.1 मोलर थिला से लगे ते 0.001 मोलर सॉल्यूशन हेला ओके तब से कोन होचे तो केते अमाउंट रो हमें वाटर ऐड करा है से पचाला तो वाटर केते ऐड करा है बाहर करिया पहले फर्स्ट हम को फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बाहर करियो तो फार्मूला को मिले m1 v1 इक्वल टू m2 v2 ओके ये हमें फाइनल वॉल्यूम बाहर करले देन केते वाटर ऐड करा है माने v2 माइनस v1 करे की वाटर केते ऐड करा है बाहर कर दो तो ये दीटा न्यूमेरिकल तो ना हमरो का बेस करे की ना केते अमाउंट रो डाइल्यूशन इक्वेशन को बेस करे की ए न्यूमेरिकल हमर थिला तो ये कांसेप्ट का समझते नोट डाउन करो नेक्स्ट कांसेप्ट हो जो मोर कोना मिक्सचर रो मोलारिटी और नॉर्मलिटी के बारे में करिए मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर है सपोज गोटे सॉल्यूशन देसी जार मोलारिटी होचे m1 और वॉल्यूम होचे v1 आउडे सॉल्यूशन देसी तार मोलारिटी लाइन टू वॉल्यूम वाला v2
तो तार आम कमी बाहर करवा ओके तो हेडिंग दि कौन ना मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ ए मिक्सर ऑफ सॉल्यूशन गोटे मिक्सर ऑफ सॉल्यूशन रो मोलारिटी और नॉर्मलिटी हमें कैसे कैलकुलेट करें ओके लेट सेट जमीन इज जमीन नंबर मोर एक डायग्राम कर दे दो छी हला सपोज गोटे सॉल्यूशन थिला किछि गोटे सॉल्यूशन थिला किछि गोटे सब्सटेंस थिला हला तर मोलारिटी थिला m1 वॉल्यूम थिला v1 एडी सब्सटेंस ए अछि एथि सेम सब्सटेंस नै किछि गोटे अलग सब्सटेंस अछि हला किछि गोटे अलग सब्सटेंस अछि b एटे ए रो सॉल्यूशन अछि सेठी बी रो सॉल्यूशन अछि आरो मोलारिटी होछि m2 वॉल्यूम होछि v2 तो फाइनली कोन करला दैड जाउ मिक्स करला दैटा सॉल्यूशन को मिक्स करला मिक्स करी ओटे न्यू सॉल्यूशन प्रिपेयर करला ए सॉल्यूशन रो मोलर सॉल्यूशन के अछि बे ए भी अछि बी भी प्रेजेंट अछि तो फाइनली वॉल्यूम केता होले हम कह दे कोन v1 + v2 = v टोटल टोटल वॉल्यूम v1 + v2 बट मोलारिटी केता आसे लेवल हम m1 + m2 कह दे हला काहे कि ना मोलारिटी रो फार्मूला कोन पर मोल सब सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो कहीं बाहर करिए मोलारिटी ना देखो मोलारिटी मोलारिटी ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू कौन ना टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द मिक्सर मिक्सर रे टोटल केते मोल रे सॉल्यूट प्रेजेंट अछि डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अच्छा मते कहला ए जो सॉल्यूशन रे केते मोल रे सॉल्यूट प्रेजेंट अछि मोल रे फार्मूला कोन दिला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये होची का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स बाहर करियो फार्मूला बाउडे फार्मूला दिला तुमको सर ए फार्मूला कोड आसीला नेबे टिके तोले कहली मोलारिटी रो हमरा आसीला हला आउडे भी फार्मूला आसी कोन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्युलर मास ऑफ सॉल्यूट बट ए केस रे हम एटा अप्लाई करे काई मोलारिटी जान छन और वॉल्यूम जान छन हम सो एयर मोलारिटी सपोज एठी प्रेजेंट अछि n1 मोल रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि तो n1 इज इक्वल टू कोन आसी होले m1 v1 सपोज एठी प्रेजेंट अछि n2 मोल रो सॉल्यूट तो n2 इज इक्वल टू कोन आसी हो m2 v2 काई मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हला तो टोटल केते मोल प्रेजेंट अछि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू n1 प्लस n2 माने n1 प्लस n2 तो n1 केते अछि m1 v1 प्लस m2 v2 तो एडी हम इनपुट कर दा मोलारिटी ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो m mix is equal to total number of moles of solute kete asila na m1 plus m1 into v1 plus m2 into v2 divided by total volume in the area na v1 plus v2 hala tie bole re kon m mix ro formula suppose tini ta solution ko ami mix kariya to formula kon asu same to same m mix is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 by v1 plus v2 plus v3 ha
Similarly, मु कर पेरी कौन mmx is equal to summation of mi vi, summation of mi into vi divided by vi, है ना? ये कौन होती है ना i स्टार्ट होती है कौन one ओके बस सिमिलर कांसेप्ट हम अप्लाई कर पे लिया नॉर्मलिटी केस में भी है तो फार्मूला कौन n mix इज इक्वल टू n1 v1 प्लस n2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 देखो ये जो v1 प्लस v2 टा सब केस में अप्लाई होवे कहेंगे मैं सपोज इन कहला गोटे सल्यूशन अच्छे ए और सल्यूशन अच्छे बी आर वॉल्यूम अच्छे बी वन आर वॉल्यूम अच्छे बी टू मन रख आर वॉल्यूम अच्छे 200 मिलीलीटर आर वॉल्यूम अच्छे 300 मिलीलीटर मतलब से कौन कहला ए दीट के सल्यूशन को मिक्स कला पर वॉल्यूम हेला के 1100 मिलीलीटर बोले से कहि लेइस तुम तो से केस रे तुम जदि 200 प्लस 300 नै जो तो रॉन्ग हे जो फाइनली सल्यूशन से जोडा कहि छे सेडा हम न हो है हला मते टोटल सॉल्यूशन दरकार अछि बट जदि फाइनली सॉल्यूशन से इछि कहि नि त हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना सपोर्ट कोन ना v1 प्लस v2 ना हला अछि क्वेश्चन अछि करबे हमें तो ए जो दीटा फार्मूला हमें कोडी अप्लाई करै छै ना भेले कोडी अप्लाई करिया ना जोडी कोन होछि इफ द टू सॉल्यूशन आर नॉट एसिडिक और बेसिक नॉट एसिडिक बाइमिनि कर परिया ए जो दीटा फार्मूला हम अप्लाई कर परिया का पई एसिड एसिड पई एसिड और एसिड पई अप्लाई कर परिया बेस और बेस जदि दीटा एसिड को मिक्स करछी तो एडा अप्लाई कर परी दीटा बेस को मिक्स करले भी मोडा अप्लाई कर परी बट जदि गोटे एसिड और बेस हिचो से केस रे ए जो फार्मूला हम अप्लाई कर परी तबे अलगा फार्मूला अप्लाई करिया तबे देखिए फर्स्ट एटा नोट डाउन करो तबे हम देखिबा देखिबा तो कोन हो ना एक्चुअली कोन होची जदी गोटे एसिड सॉल्यूशन अछि आउडे बेस सॉल्यूशन अछि ताकु जदी हम मिक्स करदा तो कोन हो एसिड आ बेस मिक्सिंग कोन हो जो न्यूट्रलाइजेशन हो जाउछ ना नै एसिड प्लस बेस मिसे कोन हो छै सॉल्ट आउ वाटर आछ हला तो न्यूट्रलाइजेशन होछ कोन होछ एटी न्यूट्रलाइजेशन सपोज गोटे सॉल्यूशन आछ आरो नॉर्मलिटी आछ एन ए वॉल्यूम आछ वी ए माने एटा एसिडटा हला सॉल्यूशन डाला एसिडटा आउ जे सॉल्यूशन आछ आरो नॉर्मलिटी होछ NB और वॉल्यूम है ना VB ओके अच्छा एते केते मोल रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी एते तो मोल एस यूनिट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कोन आछ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ solute is equal to formula kana na normality normality into volume of solution volume of solution in liter hala kai na dekha amar formula kana thila normality is equal to number of equivalent of solute by volume of solution thila to volume kon se pad le gali पढ़े से लगा मल्टीप्लाई है ना बस ये जो फॉर्मूला का हमें एटी अप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कौन है वो एन ए इनटू बी ए सिमिलरली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड में इधर बेस कितना है सिर्फ एन बी इनटू बी बी एसिड में ना
एबे कोन करिया ना एसिड आ बेस भीतर कोन होची न्यूट्रलाइजेशन होची तो एटी दीटा केस आसी हला तीनटा केस आसी केस 1 केस 1 रे कोन ने लेमु नै जो Na आ Va इज ग्रेटर देन Nb आ Vb माने एसिड रे अमाउंट मोर होची बेस अपेक्षा हला तो जो सॉल्यूशन ना हम प्रिपेयर करिया सॉल्यूशन रो नेचर कोन आसीओ एसिडिक आसीओ मिक्सचर रो नेचर कोन आसीओ एसिडिक आसीओ काई कि ना नंबर ऑफ H+ आयन कोन आसी मोर आसी एज कंपेयर टू नंबर ऑफ OH- आयन हला तो कोन आसीओ ना N मिक्सचर इज इक्वल टू NaBa माइनस Nb इनटू Vb बाय V मिक्स माने टोटल वॉल्यूम हला टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2 का va प्लस vb हो हला सिमिलरली केस 2 केस 2 केस 2 कोण ना देखो सपोज na इनटू va इज लेस देन nb इनटू vb असला ओके तो कोण करिया ना n मिक्स n mix is equal to nb vb minus na into va by v mix by v mix माने total volume हला जोड़ा कि na plus vb भी सही तो समान है इसको case 3 case 3 हो ची important हला जितने को ना बोल ना N A B A is equal to N A B into B B जो तो सॉल्यूशन तक ना जो completely neutralize जो इटी सॉल्यूशन का नेचर कौन थिला एसिडिक थिला तो मिक्सर का नेचर कौन थिला एसिडिक थिला इटी मिक्सर का नेचर कौन थिला बेसिक थिला इटी कौन है ना complete neutralization हला तो सॉल्यूशन का नेचर ऑफ एसिडिक नहीं कि बेसिक नहीं हला कंप्लीटली न्यूट्रलाइज ही है जे तो जितने गुटे वर्ड यूज करी छे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन माने तुम केस 3 माइंड को छे बोले हला तड़ी कोन है जो ना एन ए वी ए इज इक्वल टू एन बी इनटू वी बी का बोले है बेटा डाइल्यूशन इक्वेशन बोले पड़े छले ना नहीं हला सिमिलर टू ता बोले तुम कोन करियो ना नॉर्मलिटी वॉल्यूम दे दो कोडा भी ओटा तीनटा डाटा दे दीजिए ओटा पचार दियो जेंदी देखो ओटा इक्वल ओटा क्वेश्चन ए क्वेश्चन ना देखो लास्ट क्वेश्चन ना 6 नंबर क्वेश्चन कोन हो छे ना इफ 20 मिलीलीटर ऑफ 0.4 एन एचसीएल सॉल्यूशन एसिड लेवल कोन है एसिड ना हला इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेस अच्छा जो NaBa into NbBb फॉर्मूला हमें अप्लाई करी परिया मोलारिटी केस रे भी MaBa is equal to MbBb गुटे पॉइंट हमो ध्यान देबा पड़े एडा हम सबोडी अप्लाई कर देबे दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एट एनी कंडीशन ये जो नॉर्मलिटी वाला फार्मूला है हम सब कंडीशन पे अप्लाई कर देंगे बट मोलारिटी फार्मूला सब पे अप्लाई कर देंगे हला तो कोडी अप्लाई कर देंगे दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली इफ both acid and base have equal acidity and basicity both acid and base have equal number of abhi mo simplify kar do tumko equal number of H plus and OH minus ion. Jodi equal number of acid package jati H plus ion thibo, base package jati same amount rabo,
OH minus ion अच्छी से condition रे हमें molarity formula को भी apply कर देंगे but जब different अच्छे तो apply कर देंगे से case रे हमें कहाँ कुछ जीरो पड़ेगा उधर normality पे कुछ जीरो पड़ेगा clear हाँ तो देखो कौन है ना ना ये फिर 200 milliliter आपको 0.4 ion solution ये तो completely neutralize 40 milliliter of NaOH solution then what is the molarity of HCl solution माने कौन लगे को दीड़े solution अच्छे बड़े HCl solution अच्छे अबड़े NaOH solution अच्छे सिखों को अच्छे ना 250 milliliter sorry 220 milliliter of 0.4 N HCl solution 20 milliliter दे देला कहते देला 4 N solution दे देला हला 0.4 N HCl solution is completely neutralized by 40 milliliter of NaOH solution. So, 40 milliliter of NaOH solution. Then, what is the molarity of HCl solution? It's NaOH solution. Molarity of NaOH solution. हला? तो NaOH solution रो molarity पच्छा दे, माने देखो molarity दे दिला एटी, एटी normality दीजी ना molarity को दिया हो, चोलियो किछो सुधा नहीं, जोड़ा है मिले भी हो normality of एटी volume देला volume of acid, एटी normality of acid देला हला? एटी volume of base देला normality of base आना बाहर कर दिया first हला? जे तो basic, N factor value के तच्छ, 1 अच्छ तो normality भी जहां आसी हो molarity भी कौन आसी सेम आसी हो कोई ची n factor जो दी 1 अच्छी normality जहां आसी हो molarity भी सेम आसी हो n factor n factor के जी 1 हला तो normality बाहर कर ले जहां आसी हो molarity भी कौन आसी हो सेम आसी हो तो आपको हम calculate करेंगे बस formula कौन ना n एड वर्ड यूज कर छी ना से कौन वर्ड यूज कर छी ना completely neutralizes माने कौन NaBa is equal to Nb into Bb ओके हम बाहर कर रहे छ कोन Nb तो Na के दिला देखो ये 20 और 40 मिलीलीटर को लीटर कन्वर्ट करिए किस दरकार नहीं का ये 1000 डिवाइड करियो ये 1000 डिवाइड करियो 1000 1000 कैंसिल हो जियो हैला तो Na ऐसे लगे 0.4 मल्टीप्लाइड बाय B ये लगे 20 is equal to 40 is equal to Nb into 40 तो 40 को 20 कैंसिल करो इधर लगे दे 2 कैंसिल करो इधर लगे दे 0.2 तो ऐसे लगा ना Nb is equal to 0.2 नॉर्मल मोलारिटी भी कितना आसी हो 0.2 नॉर्मल ही आसी हो है ना बस तो आज ही हमें कितने क्वेश्चन कर दो ले 1 2 आउ 3 तीन टा क्वेश्चन कर ले आउ ये जो तीन टा क्वेश्चन रहेला 1 2 3 आउ तीन टा क्वेश्चन रहेला लास्ट क्लास गोटे क्वेश्चन थिला ए चारटा क्वेश्चन हमें नेक्स्ट पीरियड रे करिया एडा गोटे छोटिया कांसेप्ट रही जायतिला कोन ना डाइल्यूशन इक्वेशन आ मिक्सचर रो मोलारिटी आ नॉर्मलिटी के बाहर करिया ए सब गोडा रही जायतिला ए सब गोडा का हमें करले हला ए क्वेश्चन गोडा तो सॉल्व करियो आज मु गल्ले तुम मन को हम ग्रुप रे आ किछ न्यूमेरिकल से सेंड करी तमे निजे ट्राई करथिबो आज नेक्स्ट क्लास रे तार मु सॉल्यूशन गोडा को हमको देबी ओके थैंक यू